हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो, एक नई स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम फॉर एग्रीकल्चर, और जिसका नाम है PMKMDY, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा है लेक्चर नंबर 6। तो इससे पहले 5 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा हम आपके लिए करंट अफेयर, एग्रीकल्चर करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं सितंबर तक की। ओके, तो वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, और इन सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा वीडियो है, 6th लेक्चर है हमारा, हमारे मिशन AFO 2019-20 के लिए, जो ये एग्रीकल्चर स्कीम्स का जो है पार्ट है उसमें हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियोस के जो है PDF मिल जाएंगे। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमने कुछ बुक्स जो है उनकी लिस्ट प्रोवाइड किया और साथ में उनका लिंक दिया है, वहाँ से आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपके जो एक अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम की अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ओके, तो ये जो स्कीम थी ये कब से इफेक्टिव, कब से हुई है, कब से लागू हुई है, दैट इज़ 9 अगस्त 2019 को, मतलब तो ये लागू होने की डेट है इसकी। ओके, 9 अगस्त 2019 को। और कौन सी हमारी मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये स्कीम आ रही है। ओके, तो इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, इसका एम क्या है, दैट इज़ टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी जो है लाइफ को इम्प्रूव करना है, उनकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना है हमें। आगे क्या है इसमें, टू प्रोवाइड ओल्ड एज पेंशन कवर टू फार्मर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका, तो इसमें क्या है, ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है एक। ओके, पेंशन स्कीम है। तो जो इसमें पेंशन फंड मैनेजर की बात करें, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन फंड मैनेजर, दैट इज़ LIC। LIC आपके आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो LIC है इसका पेंशन फंड मैनेजर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो अभी हम बात करेंगे इसके कुछ बेनिफिट्स की, कि क्या फार्मर्स को फ़ायदा होगा इस स्कीम का। तो पहले तो फ़ायदा लेने से पहले फार्मर को कुछ जो है जो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो फार्मर का कंट्रीब्यूशन क्या है, फार्मर्स विद द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 साल की उम्र वाले फार्मर जो है स्कीम के लिए पहले तो एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड हुज कल्टिवेबल लैंड इज 2 हेक्टेयर और लेस, 2 हेक्टेयर या उससे कम, जिनका जो है एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लैंड है और जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिशरीज ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स विल गेट मंथली फिक्स्ड पेंशन ऑफ 3000। ओके, तो जब कोई भी जो बेनिफिशरी है इस स्कीम के अंडर अप्लाई करेगा, उसे 60 साल की एज के बाद 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ओके, 3000 रुपये पर मंथ की उसके पेंशन मिलेगी उसको। ओके, आगे देखेंगे कंट्रीब्यूशंस। तो मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन फार्मर को करना पड़ेगा, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे इस स्लाइड में। फर्स्ट पॉइंट, बेनिफिशियरी फार्मर आर रिक्वायर्ड टू मेक मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ 55 to 200 डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द एंट्री इन पेंशन फंड टिल दे रीच द रिटायरमेंट डेट, दैट इज एज ऑफ 60। तो 18 से 40 साल की उम्र के जो बेनिफिशरीज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज एज के डिपेंड करता है कि उन्हें कितना मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा,
तो 55 से लेके 200 रुपये तक का, 55 से लेके 200 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है। तो वही है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अगर आपकी एज कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा आपके पास, तो आप कम जो है पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो इक्वल कंट्रीब्यूट एज कंट्रीब्यूटेड बाय द एलिजिबल फार्मर टू द पेंशन फंड। तो नॉर्मल पेंशन फंड है ये, तो जितना जैसे फार्मर कंट्रीब्यूट करेगा, मान लीजिए फार्मर ने 1 लाख रुपए या 10,000, मान लीजिए 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट किए, तो उसमें जो है सरकार है वो भी 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी, टोटल 20,000 रुपीज़ बन जाएंगे ये, जो कि फार्मर्स को इसी में से जो है पैसा प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 60। स्पाउस ऑफ फार्मर इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट सेपरेट पेंशन ऑफ 3,000 अपॉन मेकिंग सेपरेट कंट्रीब्यूशन टू दिस पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या है, अगर एक फार्मर जो है, जब कोई भी बेनिफिशियरी है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है उसने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला ही अप्लाई कर सकता है अपनी फैमिली में से, तो उसकी वाइफ, उसकी स्पाउस जो है वो भी अप्लाई कर सकती है इसमें। तो उसे भी मतलब कंट्रीब्यूशन सेम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आफ्टर द एज ऑफ 60 तो उन्हें भी वही सेम जो है बेनिफिट्स होंगे। आगे देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स। तो अगर किसी जो बेनिफिशियरी को कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर बिफोर रिटायरमेंट डेट, द स्पॉज में कंटिन्यू इन दिस स्कीम बाय पेइंग रिमेनिंग कंट्रीब्यूशंस टिल रिमेनिंग एज ऑफ डिसीज्ड फार्मर। तो इसमें क्या है, अगर किसी फार्मर की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, मान लीजिए उसकी एज है 58 ईयर्स, तो 58 ईयर में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसने अप्लाई किया था इस स्कीम के लिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए, और उसका जो 2 साल बचे हैं, अभी 2 ईयर्स बचे हैं, तो उसकी जो वाइफ है वो क्या कर सकती है, वो जो है इन 2 सालों में वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो बचा हुआ अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो आफ्टर जब उसकी एज फार्मर की 60 साल मतलब हो जाएगी, तो उसकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन 2 साल बाद होना था उसने 60 साल, तो वो 2 साल उसके पैसे दे के तो जो इस स्कीम का फायदा ले सकती है। सेकेंड पॉइंट, इफ स्पॉज डज नॉट विश टू कंटिन्यू, देन टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय फार्मर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विल बी पेड टू द स्पॉज। तो इसमें क्या है कि अगर फार्मर की डेथ हो गई है, और लेकिन उसकी वाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती, स्कीम को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो उस फार्मर ने जो भी अमाउंट जो है इसको LIC मतलब जो भी अमाउंट इस स्कीम के अंडर कंट्रीब्यूट किया है, वो उसे टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो कि नॉर्मल लगता है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ उसकी वाइफ को वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देर इज नो स्पॉज देन टोटल कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विल बी पेड टू द नॉमिनी। तो जो भी नॉमिनी है वो अपॉइंट करेगा, वो फार्मर है, तो उसकी डेथ के बाद अगर उसकी वाइफ नहीं है तो उसके नॉमिनी को वो सारा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ द फार्मर डाइज आफ्टर रिटायरमेंट एज, देन स्पॉज विल रिसीव 50% ऑफ फिक्स्ड पेंशन एज फैमिली पेंशन। मान लीजिए फार्मर की एज हो गई है 62 ईयर्स और उसकी हो गई है डेथ, तो 60 साल तक उसने कंट्रीब्यूट किया था, उसके बाद 2 साल उसने उसका स्कीम का फायदा लिया, तो उसकी अभी 62 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो भी उसका पेंशन मिलनी थी उसका 50% जो है मतलब 1,500 रुपये पर मंथ जो है उसकी वाइफ को मिलेगा एज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के तौर पे उसकी वाइफ को मिलेगा 1,500 रुपये, उसका 50%। नेक्स्ट, आफ्टर डेथ ऑफ बोथ द फार्मर एंड द स्पॉज अक्यूमुलेटेड कॉर्पस विल बी क्रेडिटेड बैक टू द पेंशन फंड। तो उसकी जो वाइफ को जो 50% मिल रहा था, अगर उसकी भी डेथ हो जाती है, फार्मर की डेथ हो गई, उसके बाद वाइफ को 50% मिलेगा उसका, मतलब 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो जो भी अमाउंट बचेगा वो पेंशन फंड में वापस
क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसके बाद वो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। आगे एक और बात है इसमें कि अगर कोई फार्मर ने इस स्कीम के अंडर अप्लाई किया है और वो स्कीम को छोड़ना चाहता है, ओके, उसके उस केस में क्या होगा? द बेनिफिशियरी फार्मर मे ऑप्ट वॉलंटरली टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्कीम आफ्टर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन। तो ये कंडीशन है इसमें, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो और आप हम अपना पैसा वापस चाहते हैं, तो आपको मिनिमम जो है 5 साल के लिए कंट्रीब्यूशंस करनी पड़ेंगी, और जो भी कंट्रीब्यूट होगा 5 साल में फार्मर की तरफ से, वो सारा पैसा टोटल अमाउंट उसका प्लस इंटरेस्ट, ओके, ऑन एग्जिट देर एंटायर कंट्रीब्यूशन विल बी रिटर्न बाय एलआईसी विद इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू प्रिवेलिंग सेविंग बैंक रिटेल रेट्स, ओके। तो जो भी सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट के साथ उसका टोटल पैसा जो है फार्मर को वापस कर दिया जाएगा, ओके। तो ये थी हमारी स्कीम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अच्छी स्कीम है, एक पेंशन स्कीम है ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम किसके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ओके। तो इसमें मिलता है 3,000 रुपये पर मंथ आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स, ओके, और आपको जो है फार्मर को जो भी अप्लाई कर रहा है उसे कंट्रीब्यूट करना होगा 55 से लेकर 200 रुपये तक का अमाउंट, इसमें से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द फार्मर। तो जो ये जो मेन बातें थी इसकी, और एक और बात थी हमने डिस्कस किया है, अगर फार्मर की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को 50% पैसा मिलेगा, मतलब 1,500 रुपये, और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो सारा पैसा वापस पेंशन फंड में चला जाएगा। तो ये कुछ मेन बातें थी, वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप। तो यहाँ पे हमारे वीडियो का एंड होता है।